प्रशासन की नीलीभुक्ति का कारण है। ऑटोरिक्शन किशनगढ़ समाजवादी में जो भी ऑटो रिक्शा लगता है उसका परमिट पहले लिया जाता है, किशनगढ़ परमिट की गाड़ी वही हम संचालन करते हैं और हमारे स्टैंड वही स्टैंड चलते हैं। और ये जो नसीराबाद के नाम से, रूपनगढ़ के नाम से, केकड़ी बिनाई के नाम से जो दे रहे हैं, ये परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से ये हमारे ऊपर भी बवाल बन रहा है। कोई भी घटना होती है तो ऑथराइज संगठन होने के नाते सबसे पहले हमारे पास ही आती है, भले वो बाहर वाला कर जाओ कोई कंप्लेंट, मगर शिकायत हमारे पास ही आती है। प्रशासन ने को कई बार लोगों ने शिकायत दी, प्रशासन क्या कार्रवाई नहीं कर पा रहा? कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा। हमने खुद ने भी हमारे लेटर पेड पर कई शिकायतें दी है, मगर प्रशासन रद्दी की टोकरी में डाल रही है। आपका नाम? अब्दुल वहीद। इस तरह की कुछ शिकायत हमें मिल रही है तो हम इस सप्ताह एक अभियान चलाने वाले हैं, जो अवैध पर बिना परमिट के जो वाहन हमारे शहर में चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको सीज करेंगे और उनको चलने नहीं दिया जाएगा। शहरवासियों की और टेम्पो एसोसिएशन वालों की कई बार मांग रहती है कि किशनगढ़ के रूट के अलावा बाहर के, जैसे अजमेर है, श्रीनगर है, रूपनगढ़ है, बाहर भी रूट वाले यहाँ विचरण कर रहे हैं, परिवहन विभाग उन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा है तो हम उसको अगले इस सप्ताह हम अभियान चला कर देखते हैं कितने इस तरह से चल रहे हैं और उनके